हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो, अब क्वेश्चन क्या है। टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल फिल अ टैंक, कोई तो टैंक है, इन 75 बाय 8 आवर्स। इन 75 बाय 8 आवर्स द लार्जर टैंक्स द लार्जर सॉरी लार्जर टैक्स लार्जर टैक्स द लार्जर टैक्स 10 आवर्स लेस द लार्जर टैंक 10 आवर्स लेस Than the smaller tap, than the smaller tap, than the smaller tap. ठीक है, देन आपको निकालना है टाइम रिक्वायर्ड फॉर required for each tap separately, time required for each tap separately, time required for each tap separately. देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो पानी के नल है अपने पास, वो दोनों मिलके किसी टैंक को फिल कर रहे, टोटल टाइम है 75 बाय 8 आवर्स। ठीक है, लार्जर टैप को 10 आवर कम लगता है देन स्मॉलर टैप स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली। यानी यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड डालना भूल गया। देखिए यहाँ पे देखो, लार्जर टैंक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर टैंक टू फिल टैंक सेपरेटली। यानी अलग अलग टैंक अगर भरने जाएंगे तो लार्जर को 10 घंटा कम लगता है टाइम। ओके, ठीक है। तो time required for each tap to fill tank separately, to fill tank separately, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, करेक्ट। अब ध्यान से देखना कि अगर दोनों मिलकर अगर पानी भरेंगे टैंक में तो उनको टाइम लगता है 75 बाय 8 आवर्स। ठीक है, दोनों मिलके भरेंगे तो टुगेदर का मतलब हम लोग यहाँ पे एडिशन ले लेंगे, द लार्जर टैंक 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर टैंक। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो टाइम निकालना है ना, तो जिसको निकालना है उसी को एक्स बोल दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्स टैंक को सॉरी स्मॉल टैप को यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। स्मॉल टैप जो होगा उसको पानी भरने के लिए मान के चलो टाइम लग रहा है एक्स आवर्स। कितना टाइम लग रहा है? एक्स आवर्स। तो जो सेपरेट बोल रहा हूँ, टैंक को अगर अलग अलग फिल करेंगे तो अलग अलग टाइम दिया है ना, सेपरेटली टुगेदर नहीं। और लार्जर टैप को टैप ने अगर टैंक को भर दिया सेपरेटली तो उसको टाइम लगेगा 10 घंटा कम लगेगा x से, यानी x माइनस 10 आवर लगेगा। करेक्ट, x माइनस 10 आवर लगेगा। अब मान के चलो मेरे पास एक टैंक है, ऐसा टैंक है, उसमें मैंने एक स्मॉलर टैप यूज़ किया है ना, स्मॉलर टैप यूज़ किया। और मान लो इस टैंक का मैंने वॉल्यूम बोल दिया 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है। कितना वॉल्यूम है? 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है। ओके, तो इस पूरे 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम को भरने के लिए इस स्मॉलर टैप को टाइम लगता है एक्स आवर। कितना टाइम लगता है? एक्स आवर का। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे ना, तो देखो एक्स आवर में अगर पूरा वॉल्यूम भर रहा है वो 1 मीटर क्यूब का, तो 1 घंटे में वो टैंक का कितना पोर्शन भरेगा? एक हमारा रेफरेंस वैल्यू होगा, टैंक का कितना पोर्शन भरेगा? तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो इन वन आवर स्मॉलर टैप फिल्स, देखो एक्स
घंटे में 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम भरते हैं, तो 1 घंटे में कितना वॉल्यूम भरेगा कैपेसिटी, वो पूछ रहा है। तो उसका आंसर आएगा 1/x भरेगा। कितना भरेगा उसका जो आंसर होगा यहाँ पे वो 1/x होगा। कितना होगा 1/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखो आपको आंसर मिलेगा 1/x, यानी टैंक का 1/x का पोर्शन भर देगा। ठीक है, लेकिन जो लेकिन बड़ा वाला टैंक अगर मान के चलो मेरे यहाँ पे, अगर मैंने बड़ा वाला टैप ले लिया, बड़ा वाला टैप, तो वो भी टैंक को अगर सेपरेटली भरेगा, तो टैंक का वॉल्यूम हमने कितने अज्यूम कर लिया, 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम अज्यूम कर लिया। तो बड़ा वाला टैप ने अगर टैंक को फिल कर दिया तो उसको कितना टाइम लगता है, एक्स एक्स माइनस 10 आवर्स। तो एक्स माइनस 10 आवर में बड़ा वाला टैप 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम भरता है, तो 1 घंटे में वो कितना वॉल्यूम भरेगा, 1/(x-10) इतना वॉल्यूम भरेगा। तो छोटा वाला टैप 1 घंटे में इतना वॉल्यूम भरेगा और बड़ा वाला टैंक 1 घंटे में इतना वॉल्यूम भरेगा, करेक्ट। अब बारी आती है कि अगर उन दोनों ने मिलकर अगर टैंक को भर दिया, अगर उन दोनों ने मिलकर, यहाँ पे स्मॉल टैप लगा देता हूँ और यहाँ पे लार्ज टैप लगा देता हूँ, तो अगर दोनों ने मिलकर, अगर भरना शुरू किया 1 मीटर के वॉल्यूम को, तो वो बोल रहा है कि उसको टाइम लगता है 75/8 आवर्स का। कितना टाइम लगता है, 75/8 आवर्स टुगेदर का। ठीक है, तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि देखो इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखो 1 घंटे में छोटा वाला टैप कितना वॉल्यूम भरता है टैंक का, 1/x भरता है। तो 75/8 आवर्स में टैंक का कितना वॉल्यूम भरेगा, वो 75/8x। ये हो गया स्मॉल टैप का, ये किसका हो गया, स्मॉल टैप का, करेक्ट। उसी तरीके से 1 घंटे में बड़ा वाला टैप कितना वॉल्यूम भरता है, एक्स माइनस 10 का वॉल्यूम। तो 75/8 आवर्स में वो टैंक का कितना पोर्शन भरेगा, इसको सिर्फ 75 से मल्टीप्लाई कर दो, 75/8 से मल्टीप्लाई कर दो, 75/8 इंटू एक्स माइनस 10 इतना वो टैंक का पोर्शन भर देगा, करेक्ट। तो छोटा वाला टैप टैंक का पोर्शन 75/8 आवर्स में इतना भर देगा और बड़ा वाला टैप टैंक का पोर्शन 1 घंटे में इतना भरेगा। लेकिन इन दोनों वैल्यू का एडिशन कितना, 1 मीटर क्यूब होना चाहिए ना, इन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब, क्योंकि 1 घंटे में छोटा टैप टैंक का इतना पोर्शन भर लेता है, सॉरी 1 घंटे में 1/x भरता है, लेकिन 75/8 में वो टैंक का कितना पोर्शन भरता है, फिर 75/8x, और 75/8 आवर्स में बड़ा वाला टैप टैंक का कितना पोर्शन भरता है, फिर 75/8 इंटू एक्स माइनस 10, और दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब होना चाहिए ना। तो इसका मतलब टोटल वॉल्यूम फिल्ड बाय बोथ द टैप्स विल बी इक्वल टू, इस यहाँ पे इसका एडिशन हो जाएगा, यहाँ पे इसका एडिशन हो जाएगा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, चलो यहाँ पे इसका एडिशन हो जाएगा, सॉरी चलो, तो यहाँ पे इसका एडिशन हो जाएगा 75 डिवाइड बाय 8 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होना चाहिए। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा का पूरा सॉल्व होने के बाद बोल रहा हूँ, वो आ जाएगा 115x+375 इज इक्वल टू 0। सिर्फ लॉजिक ध्यान रखना कि लॉजिक कैसे हम लोग कैसे यहाँ पे लगा रहे हैं, लॉजिक हम लोग कैसे लगा रहे हैं उसकी तरफ ध्यान रखना, हाउ वी आर यूजिंग द लॉजिक, ओके, हाउ वी आर यूजिंग द लॉजिक, तो इसको ध्यान रखना। तो ध्यान रखना कि मैंने इसका, इस प्रॉब्लम का ट्रिक क्या है ना, मैंने क्या किया कि टैंक का वॉल्यूम अज्यूम कर लिया 1 मीटर क्यूब का, तो 1 मीटर क्यूब का पूरा टैंक भरने के लिए स्मॉल टैप को कितना टाइम लगता है वो मैंने मान लिया 1 घंटे का। तो 1 घंटे में कितना पोर्शन भरेगा वो निकाल सकते हैं हम लोग, तो 1 घंटे का पोर्शन आ गया। फिर उसके बाद बड़ा वाला टैप ले लिया, तो उस बड़े वाले टैप ने 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम भरने के लिए कितना टाइम लेगा, थोड़ा सा कम लेगा स्मॉल टैप से, कितना होगा, एक्स माइनस 10 आवर्स का होगा। तो 1 घंटे में टैंक का कितना पोर्शन भरेगा वॉल्यूम, 1/(x-10) भरेगा। और जब दोनों मिलकर भरेंगे तो 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम भरने के लिए 75/8 आवर्स का टाइम लगता है। तो हमने ऑलरेडी निकाल कर रखा था कि 1 घंटे में 1/x का वॉल्यूम भर जाता है और 1 घंटे में ये भरता है 1/(x-10) का वॉल्यूम। तो 75/8
घंटे में कितना पोर्शन भरेंगे, 75/8x और 75/8 × x − 10, लेकिन दोनों के एडिशन तो 1 m³ होना चाहिए ना टोटल वॉल्यूम। बस इससे हमने इसको सॉल्व किया, थैंक यू सो मच।